हेलो बच्चों आज मैं आपको डायपोल मोमेंट पता करने की ट्रिक इस वीडियो में बताऊंगा सिर्फ पांच मिनट में मैं आपको ये सारी ट्रिक्स बता दूंगा इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना पहले हम बात करते हैं उन कंपाउंड्स की जिनमें केवल दो एलिमेंट्स होते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं टाइप के कंपाउंड्स पर पूछे जाते हैं ट्रिक का पॉइंट नंबर वन है कि इस टाइप के वो सभी कंपाउंड्स जिन पर नंबर ऑफ लोन पेयर जीरो अलग वीडियो में बताई है इस वीडियो को आप जरूर देखें यहाँ क्विकली मैं आपको बता देता हूँ टोटल लोन पेयर होते हैं एल इक्वल्स टू हाफ वी प्लस ए माइनस सी माइनस एल एक्स वी सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ए कंपाउंड पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो कितना है वो वैल्यू है सी पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है एंड एक्स नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स हैं एल वन होगा अगर मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम है जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड एल इक्वल्स टू टू होगा अगर बाईवैलेंट सराउंडिंग एटम है जैसे ऑक्सीजन इन सभी कंपाउंड का डायपोल मोमेंट जीरो होगा क्योंकि इनमें सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है फॉर एग्जाम्पल बी एफ थ्री की बात करें तो एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एल इक्वल्स टू हाफ थ्री प्लस जीरो माइनस जीरो माइनस वन टाइम्स थ्री इक्वल्स टू जीरो अगर एस एफ सिक्स की बात करें तो एल की वैल्यू होगी हाफ सिक्स प्लस जीरो माइनस जीरो माइनस वन टाइम्स सिक्स अगेन यहाँ पर भी वैल्यू जीरो आई है डेयर फोर इन सभी कंपाउंड में नंबर ऑफ लोन पेयर जीरो आएंगे बच्चों ये बात आप फॉर्मूला लगाकर चेक जरूर करें और इसीलिए इन सभी कंपाउंड्स के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो आएगी ट्रिक पॉइंट नंबर टू है अगर कंपाउंड की शेप लीनियर है तो डायपोल मोमेंट जीरो आएगा चाहे कितने भी लोन पेयर हो इन टाइप के कंपाउंड्स की शेप लीनियर तीन केसेस में आ सकती है एसपी हाइब्रिडाइजेशन विद जीरो लोन पेयर एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन विद्री लोन पेयर एंड एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडेशन विद लोन पेयर हाइब्रिडेशन निकालने का भी बहुत आसान तरीका है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से हाइब्रिडाइजेशन पता चलता है लोन पेयर हमें पता है और बॉन्ड पेयर की वैल्यू होती है एक्स यानी नंबर ऑफ सराउंड एटम्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैपिटल जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस कैपिटल एल जेड इक्वल टू अगर टू आता है मतलब वन एस है एंड वन पी है यानी कि एस पी हाइब्रेडाइजेशन जेड इक्वल टू थ्री आता है मतलब वन एस है एंड टू पी है यानी कि एस पी टू हाइब्रेडाइजेशन एंड सो ऑन देअर फोर बच्चो इन कंपाउंड की शेप लीनियर आएगी आप फॉर्मूला लगाकर वेरीफाई कर, कर जरूर देखें ट्रिक पॉइंट नंबर थ्री अगर शेप स्क्वायर प्लानर है तब भी डायपोल मोमेंट जीरो आएगा यानी जेड की वैल्यू सिक्स एस पी थ्री डी टू एंड एल की वैल्यू होगी टू फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक्सई एफ फोर एंड आई सी एल फोर माइनस स्क्वायर प्लेनर होते हैं एंड इनका डायपोल मोमेंट जीरो आता है अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की ट्रिक पॉइंट नंबर फोर सिस कंपाउंड का ट्रांस कंपाउंड से ज्यादा डायपोल मोमेंट होता है ट्रांस कंपाउंड केसेस के में ज्यादातर डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो आती है फॉर एग्जाम्पल सिच टू सी एल टू एंड ट्रांस सी टू एच टू सी एल टू की अगर बात करें यहां सिस वाला डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है और ट्रांस वाला डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो आएगी ट्रिक पॉइंट नंबर फाइव अगर बेंजीन एटम पर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं जैसे हेलोजन देन सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट ऑर्थो पर आएगा फिर मेटा पर एंड सबसे कम पैरा पोजीशन वाले कंपाउंड का डायपोल मोमेंट आएगा फॉर एग्जांपल बच्चों इन तीन कंपाउंड के केस में ऑर्थो पोजीशन पे डायपोल मोमेंट टू डी आएगा मेटा पोजीशन पे वन डी एंड पैरा पोजीशन पे इसकी वैल्यू जीरो होगी ट्रिक पॉइंट नंबर सिक्स अगर बेंजीन पर एक विद्रॉइंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो पॉइंट का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा अब पैरा पर सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट आएगा फिर मेटा पर और सबसे कम आएगा ऑर्थो पर फॉर बच्चों इन तीन कम्पाउंड में ऑर्थो पोजिशन वाले केस में म्यू की वैल्यू आएगी थ्री पॉइंट पे आएगी फोर पॉइंट वन सिक्स डी एंड पैरा पोजिशन पे आएगी फोर पॉइंट थ्री फाइव डी जो सबसे ज्यादा है पॉइंट फाइव का बच्चों एक एक्सेप्शन भी है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा हालांकि दो विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजिशन पर लगे हुए हैं फाइनली लास्ट में बच्चों मैं आपको एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट चार ऑर्डर बता रहा हूं जो आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बच्चों इस तरह डायपोल मोमेंट के सभी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड पॉइंट्स मैंने आपको केवल पांच मिनट में इस वीडियो में बताए हैं आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हैप्पी लर्निंग विद फंडामेंथल चैनल